तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जोधपुर के रॉयल फैमिली का पैलेस और हम लोग वहाँ पे स्टे करने वाले हैं। बहुत लग्जरी वीडियो होने वाली है और बहुत हेरिटेज होने वाली है। मजे से एंजॉय करिए, चलते हैं वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस होटल के अंदर बहुत ही बड़ा एक जंगल सा एरिया है जहाँ पे एक अस्तबल है, बालसमंद जोधपुर का बहुत फेमस लेक है, खाना बड़ा कमाल का है, सफारी करेंगे होटल के अंदर, इन्फिनिट पूल है और बहुत ही लग्जूरियस एक रेस्टोरेंट है। सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर चल के बताता हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हम पहुँच चुके हैं वेलकम हेरिटेज होटल बालसमंद लेक में। लेट्स सी यहाँ पे अगर कोई स्पेशल एंट्री है कोई। चलो चलते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। जैसे कहते हैं लग्जरी और हेरिटेज की, तो मतलब बस क्या कहने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने आज तक सबसे बढ़िया कौन से हेरिटेज होटल में रुके हो। मैं तो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, इन 3, 2, 1 एंड फिल्म। काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे, ये रहा अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द रूम, चेकआउट करें कैसा है। नॉट बैड, काफ़ी क्रेजी लग रहा है रूम तो। और वॉशरूम कैसा लग रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द रूम। अस्तबल हम लोग ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्तबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोगों को याद नहीं आ रहा। स्टेबल, मैं नेट पे कहीं पे पढ़ रहा था ये जो गार्डन फेसिंग रूम्स है ना, ये स्टेबल होते थे किसी ज़माने में, तो इनका ना ऐसे बिल्कुल ही बड़े हेरिटेज सी लुक है ना, बड़ी इनकी वाइब अच्छी। ये देखो क्या शानदार सा रूम लग रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी प्रिटी। और यहाँ से आई थिंक अपनी प्राइवेट आई थिंक बालकनी भी है एक। यस, ओ नाइस, सुपर कूल प्राइवेट से बालकनी, 6-1 के आसपास की दीवार है अच्छी खासी। और यहीं से आपका वॉशरूम भी कनेक्टेड है, नहीं आई थिंक, ओ अच्छा, यहाँ से कोई गेट नहीं है, सिर्फ वेंटिलेशन कि ये जोधपुर की रॉयल फैमिली का मॉनसून पैलेस था। मॉनसून पैलेस, तो यहाँ बालसमंद पैलेस, मॉनसून बालसमंद पैलेस, फाइन, नॉट 5-स्टार लेवल फाइन, बट अच्छे हैं। बाकी रूम टूर अभी थोड़ी देर में देते हैं, बस अभी तो मन कर रहा है या तो बाहर बैठूं, उधर बैठते हैं, इधर ना एक्चुअली थोड़ा सा ब्लॉक्ड है ना, तो इतना बढ़िया व्यू नहीं आ रहा। हाँ। बाहर सीटें लगी हुई ना, उसका बहुत क्रेज शानदार व्यू आ रहा है। ये देखो यहाँ पे सीटें लगी हुई है और इधर ही वो देखो, वो लाइन से ना सारे के सारे इधर और लाइन से सारे के सारे उधर, सारे रूम्स हैं वो। और गार्डन देखो कितना खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड खूबसूरत गार्डन। 5-10 मिनट ना यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा सा नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, कि मतलब ऐसे जैसे ताज में रुकोगे तो एकदम सब फैंसी फैंसी एकदम बढ़िया से बेड्स होंगे और एकदम सुंदर सा रूम होगा, मॉडर्न सा। ये खूबसूरत है, हेरिटेज है, मॉडर्न भी है और कल्चरल भी है, कल्चरल भी और नेचर के साथ कनेक्ट भी है। बालसमंद लेक पैलेस गार्डन, बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे और स्क्वायरल आउल, ओ स्पॉटेड आउल, पीकॉक्स और अलग अलग टाइप की बर्ड्स हैं। वो ऐसे चल रही है, मतलब ऐसे इतना पास से चल रही है ना, वो ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान ही है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब वो चीज़ ना कैमरा पे बयान नहीं हो पा रही। चलो अभी रूम टूर वगैरह आपको देते हैं और फिर अस्तबल चलते हैं। ये सारा का सारा जो है वुडन वर्क है और ये जो है पूरा रियल स्टोन है। बात भी कर रहे थे भैया से तो बता रहे थे कि पुराने ज़माने में ये अस्तबल ही होता था, स्टेबल होता था इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो अस्तबल। आप एक चेयर पड़ी हुई है, आप आराम से बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं, जो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, रात को क्राइम पेट्रोल लपेटूँगा। सेफ है तिजोरी, हम मप्पी ले रही थोड़ी है, तिजोरी भरते रहेंगे अपना, वही पानी की बॉटल और वो सब बार मेन्यू। यहाँ पे हमारा मिस्टर फिस, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, एक लाइट इधर है, ये वॉशरूम एरिया है, ये आपके टॉयलेटरीज है, बॉडी मॉइस्चराइजर, बॉडी क्लिंजर और हेयर वॉश। ये फ़र्क है, ये जो चीज़ है ना ये मार्बल है, ये मार्बल है वुड टच में, वुड फिनिश में मार्बल है। इसको आप फील करोगे ना, इसका जो फिनिश देखोगे आपको पता चल जाएगा ये मार्बल है। और बाहर आप जाके देखोगे ना तो ये जो चीज़ देखोगे पूरी लकड़ी है, ये तो ऑब्वियसली सीमेंट है, ये देखो पूरा
वुड फिनिश में बनाया हुआ है सब कुछ। और ये जो है पूरा मतलब कितना हेरिटेज और कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं तो सोच के हैरान हूँ। थोड़ा सा ऐसे एलिवेशन पे रूम है और थोड़ा नीचे की तरफ बाथरूम है। ये आपका शावर एरिया है, शावर लगा हुआ है मस्त। शावर एरिया से आप बाहर चले जा सकते हैं और वॉशरूम में एक जाली लगी हुई है ताकि वेंटिलेशन वगैरह रहे, खुला सा वॉशरूम रहे। एकदम नेचुरल लाइट आ रही है ना, सनलाइट, वो भी कितनी प्यारी लग रही है। चाय के सैशेस वगैरह। और ये आपका मेन्यू, काजू फलाना ढिमकाना। कारपेट एक इधर है, एक कारपेट एक उधर है, एक कारपेट उधर है। ये आपकी वर्किंग चेयर है, ये आपका डस्टबिन देख रहा है कितना फैंसी लग रहा है। मैंने सोचा शो पीस लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा हुआ है। बेड साइड स्विच है और यहाँ पे एसी है। हाँ एसी तो है ऑब्वियसली, वो भी वो जनरल का एसी है, वो लग्जरी होटल है भाई, एसी तो हो गए। बट यहाँ पे हेरिटेज वाइब्स रखने के लिए पंखा भी लगा हुआ है, तो पंखे का कंट्रोल नॉब जो है यहीं पे दे रखा है कि सोते वक्त आलसी लोगों कंट्रोल कर लो इसको। जो मोर आप सुबह सुबह सो के उठो, आपकी आंखों के सामने मोर है, मतलब वो चीज़, सारा पैसा उसी का है भाई। इसके लिए पे किए हैं अराउंड 3700 रुपीज़ पे करें मैंने, और हाँ 3700 रुपीज़ पे करें जिसके अंदर फ्री ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड है, बहुत सही। और यहाँ पे सारे होटल्स जो हैं स्टैंडर्ड वही गार्डन व्यू के ही हैं। तो भी मैंने पता करा है यहाँ पे 9 नंबर पे फ़ोन करके कि घुड़सवारी सुबह 7 से 9 बजे के बीच में होती है, आधा घंटे की घुड़सवारी, 800 रुपये प्लस टैक्सेस। साइकिलिंग होती है वो 1 घंटा कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसके बाद चार्जेबल होती है, वो आप कभी भी कर लो। ब्रेकफास्ट का जो सीन है यहाँ पे, क्योंकि आज मैं जब रुका हुआ हूँ तो रूम यहाँ पे आई थिंक कह रहे हैं 8-10 रूम ही बुकड हैं, तो आला कार्ट है, आप कुछ भी ऑर्डर करिए। अगर ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है तो ब्रेकफास्ट बफे रहता है, तो ब्रेकफास्ट बफे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या चाहिए ज़िंदगी में, दरवाज़ा खोलो सुबह सुबह मोर दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:45 और मेरे चेहरे से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा नींदों में हूँ। तो वही कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप इतने ज़्यादा थके होते हो कि मतलब 2 दिन से आपको नींद पूरी अच्छे से मिल नहीं रही, और उसके बाद काम इतना डबल ट्रिपल होता है। मैं जस्ट आया रात में अराउंड 9:30 में आके, एकदम बहुत थका हुआ था, तो आई जस्ट एक शावर लिया मैंने क्विक सा और फिर मैं सो गया। ओके तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे और माहौल कुछ ऐसा सा है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। रात में मैं सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं, ये मैंने कैमरा भी निकाला बट कैमरा में कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब इट वाज़ ऑल पिच डार्क। मैं इस साइड पे आया कि मैं आपको ये वाली पार्ट दिखाऊं कि मेरे को लगा था यहाँ पे ये वाली लाइट जो है ना, ये वाली जो लाइट है ये जलेगी, और एक और लाइट यहाँ पे लगी हुई थी कहीं पे सेम ऐसी लाइट, तो मैं वो रात में बाहर आया जलाने, बट इतना पिच डार्क था, मतलब इतना ज़्यादा डार्क था, मेरे को खुद ही बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, तो मैं वापस अंदर अपने रूम में आ गया। ये सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है सारा, ये सारा लिट था, ये पूरा जो गार्डन था वो सारा पिच डार्क था। तो रात में मेरे को इतना अच्छे से कैमरा जस्टिस कर नहीं पा रहा था। और अभी चेकआउट करो, सामने ही सामने एक मोर है, लिटरली 5 कदम चला हूँ मैं, वो भी अभी नंगे पैर हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कोई ना कोई तो मोर, लाइट में दो, हाँ क्योंकि मेरे को पता था कोई ना कोई तो मोर दिख ही जाएगा मेरे को। फटाफट जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने और देखते हैं क्या ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में। अभी हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद होता है ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने यहाँ पे वाटरमेलन जूस मंगवाए हैं, फ्रेश फ्रूट्स मंगवाए हैं, फ्रेश फ्रूट्स में वाटरमेलन है, मतलब मिक्स फ्रूट्स है, पूड़ी भाजी 2 पीस मंगवाई है और मसाला डोसा मंगवाया है। ये पिकल है, अचार है, केयर केयर प्लेट में डालूंगा फिर मैं। अच्छा 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 रहेगा। ये सर केयर है नी? हाँ केयर है, कुमटिया है और सांगरी है। केयर का क्यों, ये चीज जो है राजस्थान के बाहर मिलती नहीं है ना, मतलब ये सिर्फ अच्छे अच्छे होटल में मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। फ्रेश फ्रूट्स प्लेटर है, वाटरमेलन, पपायास, पाइनएप्पल और बनानास। अच्छा खासा वहाँ पे बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में, शूट कर रहा था, कार्ड की स्टोरेज स्पेस खत्म हो गई, रूम में आना पड़ा। चाबी ले ली ना? हाँ, ये अपना लंबा वाला है। हाँ ये तो है सर सांगरी सांगरी, और ये है कुमटिया छोटा वाला सर,
ये छोटा वाला क्या होता है? ये कुंडिया सर, ये कुंडिया सर, केयर, ये केयर तो वाला हाँ, सर? हाँ जी, ये तो अच्छा रही है। एक इसकी सब्जी भी बनती है, सब्जी भी बनती है। हाँ, हमने बाहर विदेशों में जाकर काफी कॉस्टली, काफी कॉस्टली ये राजस्थानी फूड। हाँ, तो अब इनका डोसा ट्राई करते हैं, सुपर क्रिस्प। बातों बातों में मैं इनको भूलना ही भूल गया कि मसाला अलग से चाहिए मुझे। ओह मैन, डोसे के अंदर काजू डाला हुआ यार, मतलब हाउ क्रेजी इज दैट। सांबर ट्राई करता हूँ कैसा है। बहुत सही। अगर अभी मेरा मन होता ना, मन कह रहा हूँ अगर पेट में जगह होती है, क्योंकि अभी पूरे दिन खाना है, वरना मैं डोसा एक और मंगवाता, इतना बढ़िया है ये डोसा। ये हमारी पूड़ी भाजी जो अभी ठंडी हो रही है, क्योंकि हम लोग अभी डोसा छीप रहे हैं। भाई साहब, ये डोसा जो है, ये मसाला जो है, इसके अंदर जो काजू है, बहुत कमाल का, ये दिस इज अमेजिंग। ये हमारी पूड़ी भाजी है, आलू की सब्जी, दही और केर सांगरी का अचार। ये देख लो, इतनी बड़ी केर, मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी केर नहीं देखी भाई साहब। अगर आप यहाँ पे नहीं भी रुक रहे ना, तो भी आप स्पेशली मंडोर आ सकते हो इनका खाना खाने, इतना कमाल का ये, इतना कमाल का। हाँ जी, नाउ स्विचिंग टू GoPro। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टूर लेने और समझने इस प्रॉपर्टी में रहने के अलावा और खाने के अलावा और क्या चीज़ें। मेरे को तो भाई ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। खाना इतना ताबड़तोड़ खाना, इतनी शांत सी जगह जोधपुर के अंदर, मतलब ऐसी जगह है ना सिटी से 30-40-50 किलोमीटर दूर होती है। द GoPro जीप टूर स्टार्टिंग इन 3-2-1। अच्छा, ये पूल एरिया है? पूल एरिया। ओके, वेडिंग फंक्शंस एंड अलग अलग टाइप के। ये था इनका पूल एरिया, इनफिनाइट पूल है जैसे होते हैं, और एकदम गार्डन के बीच में बना हुआ है। काफ़ी मतलब जैसे पैलेस और मॉडर्न डे के बीच का ना मिक्स है। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है देखने को। बहुत सफारी कर रहे हैं, बट हम लोग स्टिल अभी तक पैलेस की प्रॉपर्टी में ही है। काफ़ी बड़ा आई थिंक एरिया है ये, इट्स इन 60 एकर। तो ये एक तरीके से इन हाउस सफारी हो गई। yes. अभी ये हम लोग, मैं एक्चुअली जहाँ पे रुका हुआ हूँ वो गार्डन फेसिंग रूम्स हैं, और अभी हम लोग लेक फेसिंग वाले एरिया में आ गए हैं। ये सारा का सारा स्वीट एरिया, ये अलग ही विंग है, और कितना खूबसूरत बना हुआ है देखो, एकदम जैसे लग रहा है महल, मतलब महल लग क्या रहा है, ये महल ही है एक तरीके से। दिस इज़ द पैलेस रेस्टोरेंट, और यहाँ से वो बालसमंद रिवर है, ये आपका बार एरिया है पैलेस का। ये जो स्वीट रूम्स है उस एरिया में, जो ये रेस्टोरेंट है ये, और ये जो रेस्टोरेंट है इसका व्यू सीधा आपको आता है बालसमंद लेक का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ये व्यू ऐसा है जो आपको और कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। वाओ, मतलब देखो ही देखो, जगह ही जगह खूबसूरती, दैट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे सीटिंग स्पेस है, नाइस। इमेजिन करो आप यहाँ पे रुक रहे हो, इनके जो स्वीट्स है अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, उनमें रुक रहे हो, तो आप यहाँ पे बैठो और पूरा पानी ही पानी, दिस इज़ बालसमंद लेक। अब कभी भी जोधपुर में आओ तो ये आपको देखना बनता है, और पहाड़ों के बीच में पानी, और मतलब मन करता है कि बस यहाँ पे बैठे रहो आधे एक घंटे तक, इन्जॉय करो, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मंडोर है वो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर सूर्य नगरी जोधपुर है, तो जोधपुर में गर्मी बहुत पड़ती है, उससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वो सहन कर लो, तो वो जो पीछे व्यू देख रहे हो आप, ये जो पीछे व्यू देख रहे हो, ब्यूटीफुल व्यू, यह है बालसमंद लेक का, और क्या खूबसूरत नज़ारा है, अमेजिंग। मेरे को अभी ऐसे लग रहा है मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया हूँ, या किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में आ गया हूँ, या फिर कोई मतलब समझ रहे हो ना, आर्कियोलॉजिकल साइट पे आ गया हूँ। बट ये एक हेरिटेज होटल है, और इतना खूबसूरत है। यहाँ पे मैं जिस रूम में रुका हूँ
उस रूम की आई थिंक मैं इनसे पूछूंगा अगर उस रूम की एक्सेस यहाँ पे है। मन कर रहा है बस इस खूबसूरत नज़ारे को ना मैं देखते रहूँ। और ये चीज़ ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कैमरा में कैद नहीं कर सकते। आँखों देखी जो होता है ना वो अलग ही होता है, महसूस करना जो है ना कैमरा में मैं आपको दिखाऊंगा जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी बात कर रहा था, मेरे को पता चला कि अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो, किसी भी रूम में आप रुक रहे हो, आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हो। और ये व्यू जो है बालसमंद लेक का, दिस इज़ लाइक वेरी एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक कहीं और से भी आप इस टाइप का, इस लेवल का व्यू देख सकते हो। इसका बच्चा है। अच्छा, कितने दिन का? ये दलपत सिंह जी हैं, इसके इंचार्ज हैं। खमागड़ी जी, ये कितना, एक महीने का? ये एक महीने का। अरे वाह, दिस इज मारवाड़ी ब्रिज। अच्छा, मैं भी खिलाऊं थोड़ा? यू कैन वॉच। ये एक साल की बच्ची है वो? अच्छा, वो एक महीने की थी। अरे, एक साल की। ये और वो जो 7 साल के, उनमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा? फर्क नहीं लग रहा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनका हाइट काफी जल्दी बढ़ जाता है। तो ये मारवाड़ी ब्रीड है, सारे घोड़े ऐसे होते हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, सारे ब्रीड अलग होता है। मारवाड़ी लोग भी, मारवाड़ी घोड़े भी एकदम अलग है। खूबसूरत होते हैं बहुत। खूबसूरत होते हैं, हाँ खूबसूरती। तो इनके यहाँ पे सामने माथे पे भी एक सफ़ेद जो है ना चिन्ह, तो ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली होता है, अच्छा। अभी इसका 3 पैर सफ़ेद है, बाकी 4 पैर सफ़ेद होता है, पंच कल्याण बोलते हैं इनको। पंच कल्याण, पंच कल्याण कैसे रहते हैं? मतलब 4 पैर वाइट, 4 पैर वाइट, और वो अच्छा वो पंच हो गया और माथा भी वाइट, तो पंच हो गया, तो वो एकदम ही रेयर होगा। इसकी बच्ची है ये? अच्छा, ये राजकीर्ति है ना, ये घोड़ी देखो तिल्ले का पूरा। हाँ हाँ हाँ, उनकी बच्ची ये। अच्छा, उनकी बच्ची है, वो बच्चा है। अच्छा, नाइस। तो जो पंच कल्याण जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते होंगे, रेयर होते होंगे, क्या उनका रहता होगा कॉस्ट? कम से कम 50 लाख। 50 लाख, बिल्कुल ही रेयर ब्रीड हो गया ना। मतलब जब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने को है तो आप बाहर क्यों जाओगे? और खूबसूरत ऐसे नज़ारे हैं, मतलब जंगल भी यहीं पे है, नेचुरल हैबिटेट भी यहीं पे है, सफारी, जीप सफारी भी यहीं पे है, होटल भी यहीं पे है, पूल भी यहीं पे है, लेक भी यहीं पे है, खाना भी यहीं पे है, तो और बाबा क्या करना है? मेरे को तो अब इस जगह से एक तरीके से प्यार हो गया है। अच्छा, स्टेपवेल भी यहीं पे है भाई साहब। वो हम लोगों ने तुरजी का झालरा देखा था ना, मतलब तुरजी का झालरा जैसा भी कुछ यहाँ पे है, मतलब क्या क्या है यहाँ पे। बाउली भी है एक, दैट इज़ ब्यूटीफुल मैन। कोई बाउली तो आई डोंट थिंक इज़ वर्किंग, बट स्टिल बाउली है भाई साहब। कौन सा ऐसा होटल होता है? कितने का पड़ा मेरे को ये? सिर्फ 3700। जय बाबा इंटरनेट, जय बाबा कॉम्पिटिशन, जय बाबा डिस्काउंट्स। आई थिंक 7500 या 10000 का रूम था जो मेरे को डिस्काउंट, और वो 7500 का आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको मैक्सिमम 4000, पीक सीज़न में आओगे तो आपको 5000-5500 का, तो ऑफ सीज़न में आऊँ तो मेरे को इतना सस्ता पड़ा है भाई साहब। बहुत ही शानदार वीडियो है। अभी आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट इस वीडियो में जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी, मेरे को नहीं लगता मैं शायद कहीं और पे एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। अपने रूम में जाते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप ये वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करते हैं इस पर, कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है मैं आपके लिए ऐसी सारी चीज़ें ढूंढ के निकालूं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ढूंढना जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी मेहनत लगती है और कितना पैसा लगता है इसमें, बट आप लोगों का प्यार सब कुछ एक बराबर कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार मिलते हैं कुछ और बढ़िया जगह की तलाश में। हंसते रहो, खुश रहो, घूमते रहो, घुमाते रहो, और मिलते रहो हमसे खम्मागढ़ी।